Assalamualaikum, welcome back to my channel जी हुड ब्लॉग जी। क्या हाल है आप सबका, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज ये स्नैक टाइम में मैं बना रही हूँ मैक्रोनी चाट, तो उसकी मैं कुछ ये प्रेप्स कर रही थी। तो खैर अब मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो दिल करता है कि कोई स्पाइसी सी चीज़ हो या चटपटी सी लाइक दिस। तो खैर जी ये मैं बना रही हूँ मैक्रोनी चाट, उसके लिए कुछ मैं प्रेप्स कर रही थी। तो उसमें डालने के लिए जी ये प्याज है, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, और ककम्बर हैं, और ये धनिया मैंने इसको भी बारीक चॉप कर लिया था। एक ये प्याली बॉयल पोटैटोज़ की है, और ये मैक्रोनी है जो बिल्कुल छोटी सी मैक्रोनी होती है ना साइज़ में जो छोटी हो, उसको मैंने बॉयल कर लिया था इसमें नमक और ऑयल डालकर, ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। और उसके बाद जी ये रेड बीन्स हैं, चिकी पाई है, लेमन है, और ये कैप्सिकम है, टमाटर हैं, और ये ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको मैंने चॉप किया हुआ था, और साथ में ये पोटैटोज़ मैंने बॉईल किए हुए थे, और ये इमली का पल्प मैंने निकाला था, फ्रेश इमली जो होती है उसका पल्प निकाला था मैंने। तो जी ये सारी चीज़ों को जी अब मैं वन बाय वन इसके अंदर ऐड करूँगी, और आपको बताऊँगी कि इसमें क्या क्या स्पाइसेस डालने हैं। खैर अगर आप ये इमली का पल्प इसमें डालेंगे तो इसमें बहुत इसका डिफरेंट सा जायका आएगा। तो अब चलें जी इसमें सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। मैंने ये पोटैटोज़ बॉयल पोटैटोज़ थे उनको पीसेस में मैंने कट कर लिया था, वो ऐड किए हैं। अब मैं ये सारी जितनी भी वेजी हैं ये मैं इसमें ऐड करूँगी। कुकम्बर ऐड किया है मैंने इसमें, और ये प्याज भी ऐड कर रही हूँ। अच्छी लगती हैं बड़ी डिफरेंट सी अगर डिशेज़ हो ना तो, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। खैर और फिर बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, बड़े भी खाते हैं सारे, जाहिर सी बात है, लेकिन जो जिनके बच्चे होते हैं उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी बच्चों को देनी होती है कि उनके अकॉर्डिंग वो खा लेंगे या नहीं खाते। खैर जी ये सारी चीज़ें ये भी मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ, इनको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर जो है इसका जो सॉस है वो बनाते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इमली का पल्प तो बना के रखा हुआ है, अब इसके अंदर इसका जो है बेस्ट सॉस रेडी करेंगे। तो जी मैं इसके अंदर अब ऐड करूँगी, तो ये जो पहला इंग्रेडिएंट है जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है जी चिली सॉस। तो ये आप इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी फिर हो जाता है। और ये कुछ सोया सॉस इसमें ऐड करूँगी क्योंकि इसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है, बहुत डिफरेंट टेस्ट हो जाता है इसका। और अब इसमें मैं ये चाट मसाला मैंने ये डाला हुआ है, ये 1 टेबल स्पून तो नहीं, ये खैर 1 टेबल स्पून से भी कम है, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो जी इसके अंदर अब मैं सबसे पहले ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून, हाफ से भी बहुत कम, रेड चिली ऐड करूँगी इसमें, रेड चिली पाउडर। और अब मैं इसमें ये चाट मसाला ऐड करूँगी, और ये मेरे पास जी काला नमक है, इसमें जी अब मैं ये 1/2 टेबल स्पून काला नमक ऐड करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा भी नमक डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगता हो। तो अब मैं इसके अंदर लेमन सिक्वेंस करूँगी, लेमन का जूस ऐड करूँगी इसके अंदर, जितने भी लेमन आप लोग ऐड कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है लेमन का। इसमें मैंने एक्चुअली सिरका नहीं ऐड किया क्योंकि समटाइम सिरका नहीं सूट करता किसी को डायरेक्ट इसी तरह, तो मैंने इसमें जी ये लेमन ऐड किया है, इसको अच्छे तरीके से अब मैं मिक्स करूँगी। अगर आप इसको यानी कि टेस्ट कर लीजिएगा, जैसे आपको अगर मसाला कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो जी अब मैं इसको ग्रेजुअली इसमें ऐड करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करती रहूँगी। ये एक्चुअली इसको मैंने सारा मिक्स कर दिया था, अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा इसमें अगर आपके पास टार्टरी मौजूद है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली थी क्योंकि मेरे बच्चों ने खाना था, तो यानी कि टेस्ट इन्हेंस करने के लिए ज़बरदस्त है। खैर जी ये देखें माउथ वाटरिंग है यार, ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, ये शक्ल देखें इसकी कितनी मज़े की, कितनी यमी सी इसकी शक्ल आ गई है। तो जो मैंने ऑलरेडी सॉस बनाया था, पहले तो मैंने इसको हाफ डाला था ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, लेकिन मैंने ऑलरेडी स्पाइसेस बहुत कम डाले थे, तो बाद में फिर मैंने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए। तो खैर जी एंड पे ये मैं कोरिएंडर्स के ऊपर ऐड करूँगी, तो ये फाइनल इसकी लुक है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कॉमेंट्स में भी ज़रूर बताएँ, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप ज़रूर फॉलो करें ज़ीहूर व्लॉग ऑफिशियल के नाम से, और आप मुझे फेसबुक मेरे पेज पर भी आप मुझे लाइक कर सकते हैं ज़ीहूर व्लॉग के नाम से, और आप मुझे स्नैक वीडियोस पर भी फॉलो कर सकते हैं ज़ीहूर व्लॉग के नेम से। तो जी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।